नमस्कार, धन निरंकार। न्यूज डिवाइन के फरवरी के इस अंक में मैं हूं आपके साथ समता, निरंकारी जगत की कुछ खास खबरों के साथ। आइए पहले नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। रीजनल सेल्वेशन टूर्स, समागम्स, मिशन ओवरसीज, SNCF डायरी, अदर न्यूज। अब खबरें विस्तार से। कल्याण यात्राओं की लड़ी में फरवरी माह में भी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज एवं पूज्य माता जी ने भारत के विभिन्न राज्यों में मानवता का संदेश दिया। आइए देखते हैं इन कल्याण यात्राओं की एक विस्तृत रिपोर्ट। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी व पूज्य माता सविंद्र कौर जी ने मुंबई समागम के उपरांत गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के कुछ शहरों की कल्याण यात्रा की। 1 फरवरी को सदगुरु बाबा जी कोल्हापुर पहुंचे, जहां भव्य सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 2 फरवरी को सदगुरु बाबा जी पणजी पधारे। 3 फरवरी को हुबली में सदगुरु बाबा जी की छत्र छाया में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सत्संग कार्यक्रम के अलावा भी सदगुरु बाबा जी स्थान स्थान पर रुककर भक्त जनों को आशीर्वाद प्रदान करते रहे। हुबली से ये यात्रा 5 फरवरी को बेंगलोर के संत निरंकारी सत्संग भवन में पहुंची, जहां विश्व के अनेक देशों के युवा वर्ग निरंकारी मिशन के मिशन को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। 9 फरवरी को हैदराबाद में सतगुरु बाबा जी की छत्र छाया में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 11 फरवरी को हिंगोली में भी कई जाने माने विधायकों ने सतगुरु का स्वागत किया। 12 फरवरी को इस दिव्य जोड़ी ने अकोला में पहुंचकर भक्ति के मर्म को भक्त जनों में बांटा। इसी प्रकार 13 फरवरी को भी ये काफिला अमरावती में पहुंचा, जहां एकता के भाव से युक्त होकर एकत्व को बढ़ावा देने का संदेश दिया। 14 फरवरी को नागपुर में एक सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दिन जहां देश विदेश में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा था, वहीं सदगुरु बाबा जी ने भी अपने प्रवचनों में प्यार वाले पहलू को ही महत्व देने पर विशेष जोर दिया। लव इज गॉड, गॉड इज लव, ये हमने बचपन से ही सुनी है ये पंक्ति। ये प्रेम का रूप भी है और प्रेम का स्रोत भी है, तो इससे नाता जोड़ने, इसको हृदय में अपनाने से प्रेम भी हृदय में बस जाता है। क्योंकि जो स्रोत है, जो रूप है, ये मालिक खालिक, इसी को जब हृदय में बसा लिया तो प्रेम को फिर हमने हृदय में बसा लिया। तो इस प्रकार से एक प्रेम से अपने जीवन को हमने सजा लिया, संवार लिया। इस तरह से हम अपने जीवन को एक सुंदर रूप देते हुए इस जहान में हम अपना बसेरा करते चले जाएं और एक ठंडी फुहार प्यार की हम ये बांटते चले जाएं। समागमों की लड़ी में 23 फरवरी को गुरु पूजा दिवस पूरे देश और विदेश में हर्षोल्लास से मनाया गया। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। गुरु पूजा दिवस की पूर्व संध्या पर 21 व 22 फरवरी को सरोवर परिसर में एक फोटो प्रदर्शनी और लाइट एंड साउंड शो फाउंटेन ऑफ वननेस का प्रदर्शन किया गया। इसी मौके पर प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित 60 ड्रॉप्स फ्रॉम द ओशन ऑफ ग्रेस का लोकार्पण किया, जिसमें सदगुरु बाबा जी के जीवन को चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। इसी अवसर पर एक सूफी संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध गायक गुरदास मान, ऋचा शर्मा, मास्टर अनमोल व विधि, पूजा एवं कमल खान ने भक्ति भाव की रचनाओं से सद्गुरु और सुनने वालों का मन मोह लिया और बाबा जी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त किया। देश के विभिन्न शहरों एवं दूर देशों से आए श्रद्धालु भक्तों ने इस 2 दिवसीय सूफी संध्या का भरपूर आनंद उठाया। Thank you.
अवसर पर 22 फरवरी को एक सेवा दल रैली का आयोजन भी किया गया, जिसमें देश व विदेश के सेवा दल के सेवादारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अलावा 23 फरवरी को भी एक भव्य सत्संग का भी आयोजन किया गया। ये 60वें एक जन्म दिवस के अवसर पर जो संगतों में उत्साह ये जगह जगह पर देखा गया और पीछे समागम हुआ, उस वक़्त भी नवंबर में अनेकों महापुरुष विश्व के मुल्कों से पहुँचे और अनेकों ऐसे थे जिन्होंने पहले ही ध्यान बनाया हुआ था कि वो फरवरी में दिल्ली आएंगे, और इस प्रकार से इतनी बड़ी हाजिरी में विश्व के अनेकों मुल्कों से महापुरुष भक्तजन ये प्यार देने यहाँ पर आए हैं और साथ संगत भी तमाम यहाँ पर जो मौजूद या फिर किसी हिस्से में किसी कोने में है, इस तरह से ये प्यार देती चली जा रही है तमाम साथ संगत। मिशन ओवरसीज गुरु पूजा दिवस के अवसर पर जहां देश भर में भिन्न भिन्न स्थानों पर सफाई अभियान, वृक्षारोपण, सेवादल रैली का आयोजन हुआ, वहीं विदेशों में भी ये सिलसिला जारी रहा। गुरु पूजा के उपलक्ष में यूके के ब्रेडफोर्ड एनवायरनमेंट ट्रस्ट के सहयोग से संत निरंकारी मिशन के सेवादारों ने 600 पौधे लगाए। संत निरंकारी मिशन डिवोटीज इन डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड सेलिब्रेटेड गुरु पूजा दिवस विद ग्रेट एंथुजियाज्म एट इंडिविजुअल प्लेसेस। टीम ऑफ वॉलंटियर्स इन डेनमार्क कंडक्टेड अ क्लीननेस ड्राइव एट कोपेनहेगन फॉर द फर्स्ट टाइम। द लोकल कम्युनिटीज अप्रिशिएटेड द एफर्ट्स। इसी प्रकार की एक्टिविटीज ह्यूस्टन और न्यूयॉर्क में भी हुई। द मंथ ऑफ फरवरी हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर द निरंकारी डिवोटी वर्ल्ड वाइड। लाइक अदर सेंट्स, डिवोटीज इन द न्यूयॉर्क मेट्रो एरिया पार्टिसिपेटेड इन वेरियस एक्टिविटीज टू सेलिब्रेट गुरु पूजा दिवस। To start this auspicious day, they participated in an event at the New Jersey Community Food Bank Center. Acknowledging the efforts of these volunteers, Mr. Omar, coordinator of the New Jersey Food Bank, had this to share. Omar, what do you do here? Oh, well, I'm a repacker. I get this food. I've been doing this now for 18 years. And my job is getting this food out to the people that need it the most. Wow. We like to serve the needy, not the greedy, as we say at the food bank. People out there, they're struggling. They're trying to make ends meet. And in New Jersey, we had a rough winter.
It's a lot of snow out there, right? But with the help of people like yourselves, your group, we get this food out to people that need it. People who's waking up this morning not having breakfast, won't be having lunch nor dinner. Right? And the thing, tomorrow, it repeats itself all over again. Yeah. So with the help of you guys been coming here for now, close to 10 years. Yeah. All right? And we appreciate you guys. Today. On this day, volunteers were assigned the task of assembling flyers. These flyers are later mailed to the residents of the New Jersey area to raise funds. These funds are utilized to provide food to individuals in need. To further stress upon the importance of human values in our lives, saints from the Baal Sangat put together a beautiful exhibition highlighting virtues such as trust, peace, and honesty. This day, filled with spiritual upliftment, was brought to a conclusion with devotees praying to His Holiness for His continued blessings. Happy birthday, Baba Ji! Aayye ab ek nazar SNCF diary par. संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से गुरु पूजा के उपलक्ष्य में दिल्ली में भिन्न भिन्न स्थानों पर सफाई अभियान चलाए गए। इसी अवसर पर सदगुरु बाबा जी ने स्वयं समागम ग्राउंड के परिसर में एक पौधा लगाकर विश्व भर में चलाए गए वृक्षारोपण अभियान का उद्घाटन किया। दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में 500 पेड़ लगाए गए। दिल्ली के अलावा फरीदाबाद, शिमला, चंडीगढ़ इत्यादि अन्य स्थानों पर भी ये अभियान चलते रहे। फरीदाबाद में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा 17 फरवरी को 5 दिवसीय आंखों की जांच के लिए मुफ्त ऑपरेशन शिविर लगाया गया। ब्लड डोनेशन की लड़ी में जम्मू कश्मीर, सूरत, गोरखपुर, महाराष्ट्र के अलावा विभिन्न स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए। एंड नाउ टाइम फॉर अदर न्यूज। 26 फरवरी को सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज एवं पूज्य माता जी की छत्र छाया में सामूहिक शादियों का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से आई कई जोड़ियों ने भाग लिया। संत निरंकारी मिशन के थाने ब्रांच के सेवादारों द्वारा महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर मिशन की ओर से बुक स्टॉल लगाए गए। तो ये था निरंकारी जगत के फरवरी 2014 का बुलेटिन। हमें आपके फीडबैक्स का इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल आईडी है newsdivine@nirankari.org। हम फिर बहुत सी खबरों के साथ अप्रैल के महीने में 10 तारीख को मिलेंगे। तब तक इजाजत दीजिए समता को। नमस्कार। धन निरंकार।